सर जी ये देखिए मेरे पास एकदम सस्ते में से सस्ता चीप रेट में भी मशीन पड़ा हुआ है, डेल की मशीन है, जिसमें आपको 2GB रैम और 160GB हार्ड डिस्क और ऐसे 15 इंच की मॉनिटर के साथ, 15 इंच मॉनिटर के साथ मैं आपको 4999 में दे दूंगा सर जी, एकदम बेस्ट रेट है। और इससे अगर ऊपर वाला सेम चाहिए, इससे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अगर ऊपर चाहिए तो उसमें 4GB रैम और 250GB हार्ड डिस्क और ऐसा 15 इंच मॉनिटर के साथ 5999 में आ जाएगा सर जी, ऐसा पूरा सेटअप मिलेगा आपको। और उसमें मैं जो कीबोर्ड माउस दूंगा ना, वो आपको नया कीबोर्ड माउस दूंगा, ये इसके साथ पूरा सेटअप आएगा सर, पूरा कीबोर्ड माउस ये वो सब कुछ आएगा। और इसके साथ सर अगर आपको और ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए तो ऐसे डेल के मशीन आ जाएंगे सर जी, आपको i3 का मशीन 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क के साथ, खाली कैबिनेट चाहिए तो 7500 रुपए में गिर जाएगा, और यही मॉनिटर के साथ चाहिए तो 9000 रुपीज में मिल जाएगा सर जी पूरा सेटअप। और इसमें आपको i5 का मशीन चाहिए तो i5 के मशीन में सर जी ऐसे आपको मिल जाएगा, HP की मशीन मेरे पास रेडी में पड़ा हुआ है, i5 में आपको सर जी पूरा सेटअप 12000 रुपए में गिर जाएगा, उसमें 19 इंच मॉनिटर रहेगा और 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क रहेगा सर जी, ऐसा एकदम चीप में से चीप रेट में सर आपको ये मिल जाएगा, 15 इंच मॉनिटर के साथ ऐसा मशीन मिल जाएगा, एज इट इज मशीन मिल जाएगा, 4GB रैम मिल जाएगा और 250GB हार्ड डिस्क मिल जाएगा, ये आपको 6000 रुपए में गिर जाएगा। और अगर कम रेट में चाहिए तो सर ऐसे ही मशीन आपको सेम मिल जाएगा, 4999 में आपको ये मशीन मिल जाएगी सर। अगर सर आपको कंप्यूटर के और भी कोई पार्ट्स चाहिए, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, सेकेंड हैंड में मदरबोर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर हार्ड डिस्क चाहिए तो हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है, अगर SMPS चाहिए, पावर सप्लाई जो इसके अंदर लगता है कंप्यूटर के अंदर, ये सब सेकेंड हैंड में मेरे पास सब अवेलेबल में है, वो भी एकदम बेस्ट रेट में, मतलब आधे रेट में आपको मिलेगा, जो नए का रेट रहेगा उसके आधे रेट में आपको ये सेकेंड हैंड में न्यू कंडीशन में आपको मिलेगा। ये सब देखने के लिए सर आप वीडियो एंड तक देखिए। Hi guys, what's up? This is Mohsin Sheikh and you're watching Mohsin Sheikh Vlogs. तो आज मैं आ गया वाई गुरु कंप्यूटर्स में और मेरे साथ है हरप्रीत सिंह। और हरप्रीत सिंह आप कैसे हो? बस ठीक हूँ सर, बस एकदम। तो आपकी शॉप के बारे में बताइए, ये किधर लोकेटेड है और इधर क्या मिलने वाला है? सर मेरा है ना असली में वाहेगुरु कंप्यूटर्स करके मेरा शॉप का नाम है। हाँ हाँ। और ये उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी बिहाइंड गुरुद्वारा। ओके। ये मेरा शॉप लोकेटेड है और मैं ज्यादा करके क्वांटिटी में काम करता हूँ, होलसेल डील करता हूँ, और अगर किसी को सिंगल पीस चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड। अच्छा, तो सिंगल पीस भी आपके पास मिल जाएगा? हाँ सर जी, सिंगल पीस भी मिल जाएगा। और जैसे कि कोई अगर लोन भी मांगता है, कोई बंदा रहेगा तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल रहेगा तो उनको भी हम सपोर्ट। अच्छा अच्छा, तो ये जो भी आपके पास कंप्यूटर्स मिलने वाले वो सेकंड हैंड में मिलने वाले? सेकंड हैंड में रिफर्बिश्ड कंप्यूटर रहता है ये सब मेरे पास, और क्वांटिटी में ही आता है और ज्यादा करके क्वांटिटी में ही माल जाता है मेरा। ओके। ऐसा तो गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। तो मैं आ गया हूँ वाही गुरु कंप्यूटर्स में और मेरे साथ है हरदीप सिंह। तो सर आप किससे स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले? सर मेरे पास एकदम बेसिक मॉडल में ये पड़ा है, डेल का ब्रांडेड मशीन है। ओके। ड्यूअल कोर। हाँ हाँ। नॉर्मल ड्यूअल कोर है, इसमें 4GB रैम रहेगा, 250GB हार्ड डिस्क रहेगा, कीबोर्ड माउस रहेगा, LCD रहेगा, 15 इंच का ऐसा LCD आएगा। अच्छा। ऐसा 15 इंच का LCD रहेगा। ओके। ये पूरा सेट मैं आपको दे दूंगा सर 6000 रुपीज में। 6000 रुपीज में एकदम नॉर्मल। ओके। और इसमें 4GB का रैम रहेगा। 4GB का 3 वाला है, लेटेस्ट वाला ही मशीन है। हाँ हाँ। ये मॉडल नंबर है डेल का 380। ओके। और तो इससे हायर रेंज में अगर चाहिए तो हायर रेंज में भी मेरे पास पड़ा हुआ है डेल का। हाँ। i3 में सेकंड जनरेशन चाहिए, फोर्थ जनरेशन चाहिए, सब पड़ा हुआ है। अच्छा। अगर सेकंड जनरेशन अगर आप i3 में लेना चाहते हो तो मेरे पास पूरा सेट आपको 9000 में गिर जाएगा। 9000। और अगर फोर्थ जनरेशन लेना चाहोगे तो आपको 10500 में गिरेगा। और इसके ऊपर वाला भी मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है i5 में। ये यहाँ पे मेरे पास i5 में पड़ा हुआ। अच्छा। है ये आपको पूरा सेट आपको 12000 रुपए में मिल जाएगा सर। ओके। और 19 इंच मॉनिटर के साथ इसमें 4GB रैम रहेगा, 500GB रहेगा और i5 सेकंड जनरेशन रहेगा। तो सर ये जो भी आने वाला है ये कंप्लीट कंप्यूटर असेंबल होके आने वाला है? नहीं, ये सब ब्रांडेड पुल आउट रहता है। अच्छा। ये सब रिफर्बिश वाला मटेरियल रहता है जो मेरे पास रहता है ना, हम लोग बैंक से पूरा लॉट परचेस करते हैं और सेल करते हैं। आप थोड़ा रिफर्बिश को एक्सप्लेन कर दोगे जिसको नहीं पता है? रिफर्बिश का मतलब ये होता है जो बैंक से लॉट निकलता है ना उसको रिफर्बिश बोलते हैं। हाँ। और वो उसका कंडीशन एकदम न्यू कंडीशन जैसे रहता है। ओके। और ना के बराबर ज्यादा यूज किया, मतलब 1-1.5 साल ही यूज किया हुआ रहता। ओके, है ओके। और कंडीशन एकदम न्यू रहता है।
okay. और ब्रांडेड मशीन रहती है उसमें इतना जल्दी तकलीफ भी नहीं आती है। वैसे तो आप शायद इसके साथ वारंटी भी दे रहे हो? वारंटी भी मैं देता हूँ सर, 3 months का वारंटी देते हैं हम। 3 months का वारंटी रहता है? नहीं देते हम, वारंटी में देते हैं। अच्छा, कुछ भी हुआ तो सीधा रिप्लेस, दूसरा रिप्लेस हो जाएगा 3 months में। ओके, तो गारंटी देते हो आप 3 months का। ओके, तो और ये अगर किसी को बस जैसे किसको अगर बस एलईडी चाहिए? हाँ, तो सिंगल एलईडी भी मिलेगा। हाँ हाँ, सिंगल मशीन चाहिए, मशीन भी, सीपीयू भी सिंगल मिलेगा। ओके, अगर किसी को इन फ्यूचर में हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, हमारे पास सब अवेलेबल है। ऐसा हार्ड डिस्क चाहिए तो हार्ड डिस्क भी हम सिंगल अच्छा दे सकते हैं। ये हार्ड डिस्क भी आपके यहाँ सेकंड हैंड में अवेलेबल है? सेकंड हैंड में भी अवेलेबल है, न्यू में भी अवेलेबल। ओके, मेरे पास रैम है ऐसे क्वांटिटी में सर, रैम पड़े हुए हैं, आपको रैम भी मिल जाएंगे ऐसा क्वांटिटी में, जितना रैम चाहिए। मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है वो सब मिल जाएंगे, टोटली पार्ट। ओके, वैसे आप थोड़ा ये हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन कर दोगे की इसका जीबी वगैरह ये कितना होता है? अगर 250 GB का हार्ड डिस्क चाहिए तो 600 में मिलेगा। ओके, 320 GB हार्ड डिस्क का चाहिए तो 800 में मिलेगा। हाँ हाँ, 500 GB का हार्ड डिस्क लोगे तो वो 1200 में मिलेगा सर। ओके, वैसे आप इसकी न्यू की मेरे को मार्केट प्राइस बता सकते हो? न्यू की इसकी मार्केट की प्राइस है ना ऑलमोस्ट 500-400 इससे प्लस रहता है, जो रेट मैंने आपको बोला। ओके, और वैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है ना? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं यूज में? नहीं 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 सर, अगर प्रॉब्लम भी आ गया तो हम सॉल्व भी करके देंगे, ऐसा नहीं कि आपको दिया तो भूल जाओ, ऐसा वाला काम नहीं करते। करेक्ट। वैसे आपके पास जो मॉनिटर अवेलेबल है वो क्या इंच के, क्या साइज के अवेलेबल है? 15 इंच का भी मॉनिटर पड़ा है, 17 भी पड़ा है और 19 भी पड़ा है। अच्छा, 15 इंच का भी मॉनिटर पड़ा हुआ है और 17 इंच का भी पड़ा हुआ है। ओके, 19 इंच का भी पड़ा हुआ है सर मॉनिटर। अच्छा, तो अगर कोई मशीन के साथ उनके हिसाब से, उनके कंफर्ट के हिसाब से कोई साइज लेना चाहता है तो वो ले सकता है? जो जो जैसा उसको 19 इंच चाहिए तो 19 इंच का रेट अलग है, 15 इंच मॉनिटर के साथ चाहिए तो 15 इंच मॉनिटर का रेट अलग है। ओके, कीबोर्ड माउस सब मिलेगा सर, कीबोर्ड माउस में ज्यादा करके नया ही देता हूँ कस्टमर को। अच्छा, क्योंकि कस्टमर जैसा मर्जी ऐसा यूज कर सकता है। जैसे कि आपके पास एंट्री कंप्यूटर अवेलेबल है 6000 रुपीज में, तो वो 6000 रुपीज में आप ये न्यू कीबोर्ड माउस साथ में देते हो? न्यू कीबोर्ड माउस। आप थोड़ा माउस एंड कीबोर्ड बता दोगे? हाँ सर, ये देखो सर, ये कीबोर्ड माउस नया है, पूरा सेट रहता है, ये पूरा कीबोर्ड माउस नया रहता है। ओके, ये इसके साथ फ्री देता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स में डील करते हो एंड आप मशीन के एलईडी के साथ आप न्यू कीबोर्ड एंड माउस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि एक कंप्लीट सेट बन जाएगा। आपके पास एक कंप्लीट सेट शो के लिए अवेलेबल है? सर ये पड़ा है मेरे पास, देखो कंप्लीट सेट पूरा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये एलसीडी है, 7 LCD है, कीबोर्ड माउस है, ये आपको मशीन है, पूरा सेट मिल जाएगा ऐसे। ओके, ऐसा। और फिर और कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास अवेलेबल है? सर इंटरेस्टिंग तो यही है, फिर मेरे पास ऑल इन वन भी पड़ा हुआ है, जैसे कि ऑल इन वन बोलते हैं। ओके, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही पूरा सेट होगा ये। अच्छा अच्छा, मतलब मशीन इसके अंदर ही इनबिल्ड है? पूरा इनबिल्ड मशीन है, इसके अंदर ही कीबोर्ड माउस सब कुछ लग जाएगा। ये i3 है, i3 थर्ड जनरेशन है, 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है। okay. ये आपको 9500 में गिरेगा, 9500 में। ये इतना अच्छा है कि अभी सब चीज एक के अंदर ही आ गया है, तो लोग सोचते हैं कि मेरा घर का जगह भी बचना चाहिए। ओके, ऐसा। वैसे आपके पास जो एलसीडी अवेलेबल है वो कौन सी कंपनी की अवेलेबल है? मेरे पास मिक्स में एलसीडी आता है, सैमसंग में, एचपी में, अभी जैसे कि ये एलजी में है मेरे पास, फिर सैमसंग में पड़ा हुआ है। ओके, ये भी सैमसंग में पड़ा हुआ है, ये एचसीएल में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसा। तो आप मुझे कोई एक एलईडी ऑन करके बता दोगे? हाँ सर जी, ये देखो मैं, मेरे पास ये एलईडी। अच्छा, आप खुद यूज करते हो? मैं जो यूज कर रहा हूँ वही रेडी में पड़ा हुआ है। ओके ओके, एक सेकंड सर जी। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो भी एलईडी है वो इधर खुद वो पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो इसको। और इवन आप जब कस्टमर को देते हो तो आप चेक करके देते हो? चेक करके देता हूँ और डिलीवरी भी देता हूँ सर, अगर अच्छा मुंबई लोकेटेड रहेगा, थाना के इनबिल्ड रहेगा, थाना तक मैं फ्री डिलीवरी देता हूँ। फ्री डिलीवरी रहेगा? फ्री डिलीवरी रहेगा। ओके, मेरा फ्री डिलीवरी है, आउट में रहेगा तो सर मैं 200 रुपया चार्ज करूंगा फॉर डिलीवरी के। ओके, मतलब डिलीवरी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा ये सिचुएशन में? जब भी चाहिए तभी मिल जाएगा, लॉकडाउन में भी मैं आपको डिलीवरी पहुंचा के जाऊंगा। ओके, और अगर कोई आउट ऑफ मुंबई आपसे ऑर्डर करता है तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? उनको भी सर डिलीवरी मिल जाएगा, यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट में माल डाल सकता हूँ, कोरियर में माल डाल सकता हूँ, और मेरा ज्यादा करके जो कंप्यूटर का सिस्टम है ना, ये ज्यादा करके मेरा गुजरात, महाराष्ट्र में, सोलापुर, ये वो आउट ऑफ मुंबई भी जाता है सर। ओके, लेकिन सर उसमें ऐसा है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है,
पहले आपको पेमेंट प्रीपेड डिलीवरी होने वाली है। ओके, तो आप जो कोरियर ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो वो सेफ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। डैमेज नहीं होगा उसका, वो हम लोग जो जिसमें डालते हैं ना, तो हमारा जो सामान रहता है ना वो गाड़ी में आगे जाता है। ओके, हमारा सेफ प्रॉपर पैक होता है, वो प्रॉपर पैक होके जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो अभी आपने जो भी प्राइसिंग बताया हो मशीन का, एलईडी का, तो ये सब आपने जो प्राइस बताया हो ये सिंगल पीस के लिए बताया, करेक्ट? और जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि आप होलसेल में भी डील करते हो, तो आप थोड़ा होलसेल का आपका कैसा प्लान रहता है थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दोगे? अगर ऐसा क्वांटिटी में मशीन चाहिए ड्यूअल कोर 4GB 250GB, तो ये 4000 में मिलता है, खाली सीपीयू का रेट 4000 में खाली सीपीयू मिल जाएगा। ओके, ऐसा वो भी क्वांटिटी का रेट है। और ऐसे अगर i3 में सेकंड जनरेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा सर 6000 रुपए में, सर 6000 रुपए में। ओके, उसमें i3 सेकंड जनरेशन रहेगा, 4GB रैम रहेगा, 500GB हार्ड डिस्क रहेगा, डेल की मशीन रहेगी। इसमें ही आपको फोर्थ जनरेशन चाहिए तो फोर्थ जनरेशन भी आपको मिल जाएगा सर जी। ओके, उसका रेट 7500 है सर। ओके, तो आप जो प्राइसिंग दे रहे हो वो बेस्ट प्राइस है, एकदम बेस्ट प्राइस है सर। क्योंकि कैसा है सर, अगर हमारा कस्टमर या हमारा कोई व्यूअर्स इधर विजिट करता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 सर, खाली हाथ नहीं जाएगा सर। ओके, और आप कितने टाइम से कर रहे हो ये चीज? ये सर मैं 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से कर रहे हो और आप इधर ही लोकेटेड हो जब से? लोकेटेड है सर। ओके, तो ये थी सेकेंड हैंड कंप्यूटर के ऊपर वीडियो। तो सर आपने जो डिलीवरी का प्रोसेस बताया तो मुंबई में कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा? सर विद इन 4-5 hours, मतलब सेम डे में डिलीवरी हो जाएगा आपको सर, मिल जाएगा सर। ओके, और ऑल ओवर इंडिया में कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट के ऊपर 2 दिन के अंदर तो आपको डिलीवरी मिल जाएगा सर। ओके, और सर आपने जो प्राइसिंग बताया वो बेस्ट प्राइस बताया? एकदम सर बेस्ट प्राइस है, अगर और भी कुछ मेरे से बेस्ट होगा वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ सर। ओके, और सर आप आपके तरफ से कुछ बोलना चाहते हो? सर बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरे शॉप पे विजिट करना है तो आके विजिट करके भी जा सकता है, मेरे पास काफी सारे अलग अलग वैरायटी है जो मैं बंदे को दिखा सकता हूँ। किसी को अगर लो बजट में चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, किसी को हाई बजट में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ओके, और किसी को राइजन मशीन चाहिए गेम वेम खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, तो वो सब भी मशीन मेरे पास पड़े हुए हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के काफी सारे मशीन मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सर जैसा कि आप होलसेल का बता रहे थे, बट अगर आपसे कोई होलसेल में लेता है तो वो अगर आगे आगे कितने में सेल कर सकता है मार्केट प्राइस से? होलसेल में मेरे से लेगा तो कम से कम उसको पर मशीन के पीछे 2 से 1500 रुपए से 2000 अच्छा, उसको बजट बचेगा अगर वो सामने सेल करना चाहता है, अगर मेरे से मशीन लेके जाएगा। ओके, तो अगर आपसे कोई बल्क में या होलसेल में परचेस करना चाहेगा तो उसके लिए प्राइसिंग डिफरेंट होने वाला है? हाँ सर, उसके लिए डिफरेंस, अगर क्वांटिटी में लेगा तो उसका रेट अलग है, अगर सिंगल पीस लेगा तो उसका रेट अलग है सर। ओके, तो सर उसको क्वांटिटी में लेने के लिए मिनिमम कितना पीस लेना होगा? सर 5 पीस के ऊपर लेना पड़ेगा उसको मिनिमम क्वांटिटी। और अभी आपने जो वीडियो में जो प्राइसिंग बताया वो रिटेल प्राइस था? वो सब रिटेल प्राइस था और होलसेल प्राइस अलग है सर जी। ओके, तो आप एक पीस भी परचेस कर सकते हो इधर। इधर का नंबर और एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप इधर से कांटेक्ट करके इजीली इधर विजिट कर सकते हो। और तो चलो ये वीडियो को फिर इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन, पीस आउट। We'll be right back.